गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो मैं टॉपिक कवर करूँगा वो है यूज़फुल एप्लीकेशन इन विंडोज़। तो इसमें बेसिकली जो एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में बात करूँगा वो एप्लीकेशंस हैं जो हमको एक तरह से प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं विंडोज़ 7 के साथ। ये बेसिकली एप्लीकेशन फ़र्क होती हैं उन एप्लीकेशन से जिन्हें हमें एक तरह से इंस्टॉल करना पड़ता है। बिकॉज एट मोस्ट प्लेसेस व्हाट हैपन कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए एमएस ऑफिस हो गया, अगर मुझे एमएस ऑफिस की ज़रूरत है कि उसके अंदर मैं जो उसके डिफरेंट एक तरह से मॉड्यूल्स हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट हो गया, इनमें से मैं जो कोई भी यूज़ करना है तो बेसिकली मुझे इनको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर पर। तो एक तरह से ये प्री इंस्टॉल नहीं आते, और एट टाइम्स अगर हम उनका लाइसेंस वर्जन बेसिकली यूज़ करना चाह रहे हैं तो वी हैव टू बेसिकली परचेज दी सॉफ्टवेयर। सो व्हाट स्पेशल आर देयर इन दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमको विंडोज 7 के साथ मिलता है। विंडोज 7 के साथ जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनके बारे में मैं एसेंशली बात करूँगा वो है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, सीडी बर्नर, साउंड रिकॉर्डर और डॉक्यूमेंट स्कैनर। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन विच इज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर बेसिकली ये एक आपका एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप जो हैं ऑडियो या वीडियो दोनों को एक तरह से रन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई फाइल है जो बेसिक कोई ऑडियो फाइल है, कोई सॉन्ग है बेसिकली, वो अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो विंडो मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करके वो सॉन्ग सुन सकते हैं। एंड इन अ सिमिलर गो अगर आपके पास कोई वीडियो फाइल है, और जैसे मान लीजिए मूवीज़ हैं आपकी, अगर आप कोई मूवी देखना चाह रहे हो और वो एक वीडियो फाइल ऑफ कोर्स, तो उसको भी आप विंडो मीडिया प्लेयर में रन कर सकते हो। इन एप्लीकेशन का एडवांटेज ये होता है कि यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती इन एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो बेसिकली अगर आपने लाइसेंस वर्जन अगर लिया है फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग विंडोज़ 7, और उसके लिए वॉट एवर प्राइस यू हैव पेड फॉर बाइंग ऑफ purchasing the license of Windows 7, so that's enough, you don't have to pay anything extra use करने के लिए इनके जो ये pre-installed application होते हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया था Windows Media Player, जिसके बारे में अभी explain करा था। Next हम आते हैं CD Burner का basically काम ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे computer पर कोई file है, उसको मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं जो हूँ बेसिकली किसी भी आपके अपने स्टोरेज डिवाइस पे उसको मैं राइट कर दूँ, राइट। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस आपकी अवेलेबल होती हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारी सीडी हो गई, डीवीडी हो गई या ब्लू रे डिस्क हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इनमें हमें डेटा बेसिकली राइट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की जिसको हम सीडी बर्नर कहते हैं। ये बेसिकली इससे फ़ायदा ये होता है कि मैं जो हूँ कोई भी मतलब मेरे पास फाइल है या कोई भी बेसिकली सॉफ्टवेयर भी है और एनीथिंग विच इज़ देयर ऑन माय कंप्यूटर, उसको मैं एक तरह से उसकी कॉपी बना के उसको सेव करना चाहता हूँ इन बेसिकली स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपकी सीडी हो गई, डीवीडी हो गई या ब्लू रे डिस्क, ये जो तीन मैंने नाम दिए हैं इसमें सेव करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं सीडी बर्नर का इस्तेमाल करता हूँ। सीडी बर्नर से मुझे फ़ायदा होता ये है, ये बेसिकली उन पर्टिकुलर फाइल्स या सॉफ्टवेयर वॉट एवर आई वॉन्ट टू बेसिकली सेव ऑन सीडी डीवीडी या ब्लू रे, ये उस पर उसे राइट कर देता है, और उसके बाद मैं उसको किसी और कंप्यूटर में ले जाकर उसे वापस उस पर कॉपी कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा है हमारा सीडी बर्नर का। दूसरा है हमारा साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई बेसिकली अपनी साउंड या कोई अपनी कोई स्पीच है, एनीथिंग विच आई वांट टू रिकॉर्ड ऑन माय कंप्यूटर, तो वहाँ पर मैं जो हूँ साउंड रिकॉर्डर का इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट हमारा आता है डॉक्यूमेंट स्कैनर। डॉक्यूमेंट स्कैनर बेसिकली होता है कि मेरे पास मान लीजिए हार्ड कॉपी, मेरे पास एक एप्लीकेशन या मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ है, उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको उसकी कॉपी बना बनकर जो है मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाए। तो व्हाट आई डू कि मैं जो हूँ उसको वहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज़ करता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए पहले मेरे पास एक्चुअली स्कैनर होना चाहिए, स्कैनर को मुझे अपने सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद जो है मैं ये डॉक्यूमेंट स्कैनर का जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे होगा ये कि मैं अपने स्कैनर के अंदर जो भी मुझे बेसिकली अगर कोई
एप्लीकेशन है जो मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखी थी या कोई तस्वीर है उसको मैं चाहता हूँ कि अब मेरे सिस्टम में अपलोड हो जाए, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेसिकली वो एप्लीकेशन आ जाए या वो तस्वीर आ जाए, वो मेरे सिस्टम में अपलोड हो जाए, तो वहाँ पर मैं जो हूँ डॉक्यूमेंट स्कैनर का इस्तेमाल करूँगा। सो ये बेसिकली आपके चार एक तरह से एप्लीकेशन हैं जो हमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं विंडोज़ 7 पे, और इनका मैं बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर। नाउ आई वॉन्ट कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो हैं बेसिकली यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एज माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप। सो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन मेक यू अंडरस्टैंड regarding any kind of confusion or doubt which you have. Thank you.